नमस्कार मित्रों, आप सभी का प्यारी दुनिया में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिता माहेश्वर दिखाऊंगा। माना ये जाता है कि पिता माहेश्वर जहाँ पे स्थित है वहाँ पे गया असुर का जंघा है, वहीं पे एक बेदी बनाया गया है जिसे कहते हैं पिता माहेश्वर। तो आप देख सकते हैं ये पिता माहेश्वर का मंदिर है। और फिर मैं घाट की ओर ले चलता हूँ, यहाँ पर माँ शीतला के मंदिर है और यहीं पर घाट पर पूजन होता है, पिंडदान किया जाता है पिता माहेश्वर के नाम से। जो यात्री 3 दिन या 4 दिन या 17 दिन की पूजा करते हैं वो पिता माहेश्वर के पास आकर पिंडदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंडदान की प्रक्रिया चल रही है और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो 17 दिन की पूजा करने वाले हैं। ये इनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो मारवाड़ी समाज से हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये परम्परा के तहत इनको हंसना है। तो कुछ इस तरीके से पूजा पाठ हो रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी सहायता हो रही है तो कृपया करके आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अधिक इस तरीके का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। हैदराबाद के आए हुए यजमान जो खुद ही पंडित है, उनका पूजा पाठ का कुछ अंश मैं आपको दिखा से। हाँ, इदम आसनम, इदम आसनम सुदम स्नानियम सुअस्नानियम, इदम स्नानियम सुअस्नानियम, इदम स्नानियम सुअस्नानियम। एक धूप जला देंगे, इमे तिलाक्षता सुतिलाक्षता, तिलक्षत छोड़ दें सब में। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा, ऐसा दक्षिणा बोलेंगे, ऐसा दक्षिणा सुदक्षिणा। ओम अद्य पितृभ्यश्च महाजोगी ध्येयेव च नमः। इसमें जल डालेंगे और पिंड के ऊपर घी और मधु। पिता की पत्नी तो पिता मही होगी ना आप। हाँ बोलिए, ओम अद्य भरद्वाज गोत्राया पितामही सुबावाई ये सपिंड ते मया दियते तस्मै सुधा। मातामह उनका नाम नथुलाल जी, सपत्निक यथासंभव सपत्निका, यथासंभव सपत्निका सूर्य नारायण जी ये सपिंड, मणि भाई ये सपिंड ते में याद ये तस्मै सुधा। नरकेशु समस्तेषु यातनासु चेक्षि सरीसृपा अथवा भिक्षजोनिश्च तेभ्य पिंडम। ये यात्री भी हैदराबाद से आए हैं और उन्हीं के परिवार से हैं जिनका मैं अभी पूजा पाठ दिखा रहा था। ये कुल 6 परिवार इकट्ठे आए हैं और यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपने पत्नी के साथ मिलकर के पिंडदान कर रहे हैं। तो ये बहुत सवाल आता है कि क्या हम अपनी पत्नी को भी पिंडदान करने के लिए लेके आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही अपनी पत्नी को पिंडदान के लिए लेके आ सकते हैं और साथ ही पूजा में भी बैठा सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। ये जो सज्जन दिख रहे हैं ये हैदराबाद के बहुत बड़े पंडित हैं, वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। तो पिंडदान की जो प्रक्रिया होती है इसमें आपको काफ़ी 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है और ये पिता माहेश्वर पे पूजा पाठ करवा रहे हैं और ये सभी के सभी 17 दिनों तक पूजा करेंगे। इनका 3 से 4 दिन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये भी जो हैं ये भी उन्हीं के परिवार से हैं। तो सब पिता माहेश्वर में ही अलग अलग स्थान पे बैठ के अलग अलग पंडितों के द्वारा अपना पूजा पाठ संपन्न करवा रहे हैं। आपको व्हीलचेयर भी दिख रहा है, जो लोग थोड़ा चलने में दिक्कत होती है उनको वो अपना व्हीलचेयर लेके आते हैं, व्हीलचेयर के माध्यम से आकर के पूजा पाठ करते हैं, इतनी श्रद्धा होती है। अब पिंडदान की प्रक्रिया वहाँ हो गई, इसको अर्पित करने के लिए यहाँ पे ये झील में लेके आए हैं। झील में पिंडदान को अर्पित कर रहे थे लेकिन सफाई कर्मचारी ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि झील में पिंड डालने से जो झील है जो पानी है वो दूषित हो जाएगा। इनको कहा गया कि पिंड को वो ले जा करके शीतला माँ के मंदिर में रख दे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शीतला माँ के मंदिर में ले जा करके यहाँ पे पिंड को रख दिया गया है और देख सकते हैं कि पिंड का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। इधर भी कुछ इस तरीके का दृश्य है, यहाँ पे भी पिंडदान चल रहा है। तो बड़ा ही मनोरम, बहुत ही अच्छा दृश्य है। ये भी जो है वे उन्हीं के परिवार से हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये लोग इकट्ठे इतने सारे लोग जो हैं वो पिंडदान करने के लिए आए हैं सभी के सभी। और बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख करके कि इतने दूर दूर से लोग गया जी में आते हैं और पिंडदान करते हैं और एक अच्छा अनुभव लेकर के वापस जाते हैं। गुरु ससुर बंधु बरगादी नाम उत्तम लोक प्राप्ति कामन्य हिरण्यवर्णा यज्ञस्थान आप शिवा तीर्थे पिंडस्थाने यत्रावणे निक्षते मया दीयते तस्मै स्वधा पीत्रादि उदाहरणार्थ कर्णखल तीर्थे एष पिंड ते मया दीयते तस्मै स्वधा। पांच पिंड फिर चावल ये पिंड दिए उस स्कूल में जितने लोग हैं अलग अलग नहीं देके हम एक साथ दे रहे हैं तो उनको देके फिर उनका संकल्प बोलते हैं जी। ओ मध्य बंधुवर्ग कुले ये च गतिर्येषां न विद्यते तेषां उदाहरणार्थाय इदं पिंडं ददाम्यहं जी। फिर से चावल लेंगे। ओ मध्य नवो बांधव्यः बांधवो बान्य जन्मनि तासां नहीं। अब देखिए भूख लगने का टाइम खत्म हो गया ना। पितरः सन्तु सुता एतद् पित्रो वासः हो गया। उषा कहीं है नहीं, उषा इसमें कहीं लगा नहीं है इसलिए उषा स्तरण की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या मथुरा माया कर दें। अयोध्या मथुरा माया काशी कांचन जी हो गया। क्षमा प्रार्थना बोलिए। गोत्राणो वर्धन्ताम दासीशः संतु ब्राह्मण के तरफ से आशीर्वाद है। संत्वेता वस्त्रालंकार आदि नाना प्रकार आचार्य दक्षिणा सहिताय यथा सौख्य तुभ्यम अहम संप्रददे। इतने में तो नहीं आएगा, ना भोजन आएगा ना वस्त्र आएगा। नहीं पिंड छोड़ने के बाद बोलना है आपको। इकट्ठा करते हैं ऐसे, ठीक है जैसा आप बस आप बोले महाराज, वो आसान हो जाता है ले जाने के लिए। हाँ इसके अंदर जाएगा। हाँ ये जो तीर्थ है ना उस तीर्थ में जाएगा, ये दूसरा उस तीर्थ में जाएगा। पूजा अब समाप्ति की ओर है और बस कुछ देर में पूजा जो है समाप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिता माहेश्वर में इन यात्रियों का पूजा पाठ हुआ। आहूँ तेरी बाबा शरण पढ़ाऊँ तेरी आप ही रक्षक पुष्पांजलि सभी को समेट लेना है। दीपक बुझ गई, लोटे को बजा दिया, अब इनको सब समेट लेना है। नहीं पिंड जब छूट जाएगी ना तब चलो अपना साफ़ बनाइए।